बिहार अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ स्थल पर भी हुआ सम्मान समारोह। बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ स्थल पर भी सेवानिवृत्त कर्मियों के सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए 2 दर्जन से अधिक सेवानिवृत्त कर्मियों को पाग चादर भेंट करने सम्मानित किया गया। इस मौके पर पेंशनरों की समस्या को लेकर संघर्ष करने की रजामंदी बनी। मौके पर संगठन के राज्य स्तरीय नेता लक्ष्मीकांत झा, जिला मंत्री राजीव रंजन के अलावा बड़ी संख्या में संगठन के लोग उपस्थित थे। आज 17 दिसंबर है और 17 दिसंबर को ही हम लोग पेंशनर दिवस मनाते हैं। पूरे देश और दुनिया में मनाया जाता है, कई देशों में यह अगले तिथि को भी मनाया जाता है, लेकिन 17 को ही प्रायः सभी देशों में और पूरे देश के अंदर सभी संस्थानों में मनाया जाता है। उसी के क्रम में बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ जिला शाखा समस्तीपुर के जिला मंत्री राजीव रंजन जी और अध्यक्ष राम नरेश दास जी ने आज यहाँ इसका आयोजन किया और हमारे कुल 12 साथियों ने जो 80 वर्ष से ऊपर हैं और जो सबसे बड़े हैं वो 96 वर्ष के हैं, जो 92 में रिटायर किए, ऐसे 12 साथियों को आज समस्तीपुर जिला के कर्मचारियों की ओर से, महासंघ की ओर से आज सम्मानित किया गया है। ये जो हमारे पेंशनर हैं, जो आज स्थिति है देश के अंतर्गत, वो पेंशन ले रहे हैं और एक पीढ़ी जो नौजवानों की पीढ़ी है उनका पेंशन केंद्र की सरकार के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा बंद कर दिया गया और NPS उन पर लागू है, जवरिया थोप दिया गया। आज की इस बैठक के माध्यम से हम केंद्र सरकार से अपील करते हैं कि पेंशन जो हमारे सीनियर साथी हैं, जो रिटायर कर गए हैं, जो बुढ़ापे में कई बीमारियों से ग्रसित हैं, और सरकार के यहाँ हमारा डिमांड है ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज फेडरेशन की ओर से कि 65 वर्ष, 70 वर्ष, 75 वर्ष, 80 वर्ष, 85 वर्ष में क्रमशः 5% के दर से उनका पेंशन में बढ़ोतरी किया जाए। साथ साथ केंद्र सरकार से अपील है कि अविलंब 8वें पे कमीशन का गठन किया जाए ताकि इन कर्मचारियों को राहत मिल जाए। साथ साथ जो हमारे नए साथी 2005 के बाद नियुक्त किए गए हैं उनको भी पुरानी पेंशन लागू किया जाए। इन्हीं सवालों को लेकर के हम लोगों ने आज इस कार्यक्रम सम्मान समारोह के अवसर पर चर्चा किया। धन्यवाद। जब पेंशन सम्मान समारोह दिवस के अवसर पर हम सभी अपने जो हमारे पेंशन भोगी है 80 वर्ष से ऊपर के उनको सम्मानित कर रहे हैं और यह संकल्प ले रहे हैं कि जो वर्तमान सरकार है वह यदि हमारी नई पीढ़ी को जो 2005 के बाद कर्मचारी नियुक्त हैं उनकी जो उन पर जो नया पेंशन थोपा जा रहा है उसके विरोध में हम 27, 28, 29, 30 को ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज फेडरेशन की जनरल काउंसिल की बैठक जो कलकत्ता में है उसमें व्यापक निर्णय लिया जाएगा और इस केंद्र सरकार कर्मचारी विरोधी केंद्र सरकार के विरोध में हम लोग बिल्कुल फोक झुकेंगे।